कहाँ से शुरू करें विलक्षण प्रतिभा की कहानी, अगर शुरू से शुरू करें तो अंत बुरा मान जाए, अगर अंत से शुरू करें तो शुरू बुरा मान जाए। 6 साल की उम्र से सुर्खियों में रहने वाले बिहार पटना निवासी तथागत अवतार तुलसी 9 साल की उम्र में 10वीं परीक्षा पास कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 10 साल की उम्र में BSc, 11 साल की उम्र में MSc पास किया, जिसके लिए तथागत अवतार तुलसी को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इजाज़त दी थी। 15 साल की उम्र में PhD करना शुरू की और 21 साल की उम्र में PhD पूरा किया और 22 साल की उम्र में IIT मुंबई में फिजिक्स के प्रोफेसर बने। इतना ही नहीं, एशिया के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर बनने का गौरव प्राप्त तुलसी को है। आज तथागत अवतार तुलसी का भागलपुर कॉन्क्लेव में आना हुआ है और हम आपको बता दें कि भागलपुर कॉन्क्लेव का आयोजन प्रत्येक वर्ष नाथनगर की सामाजिक संस्था तुलसी के द्वारा विंटर के सीजन में कराया जाता है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। शुरुआत सवालों से होगी। आपने 9 साल में 10वीं सर, 10 साल में BSc, 11 साल में MSc पास किया, क्या यह कारनामा सर देश के दूसरे लड़के भी कर सकते हैं? जी हाँ, मेरा मानना है। और मैंने एक अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी ब्रेन ट्रेनिंग पे मैंने कॉपीराइट भी करवाया है 2014 में, जिस पे कि मैं रिसर्च भी सर्विस में आने के बाद शुरू करूँगा। मेरा मानना है कि कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस करके आप कोई भी स्टूडेंट अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को, जैसे कि मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन पावर, एनालिटिकल एबिलिटी, सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है। और इस पे पूरी दुनिया भर में रिसर्च चलता भी है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि मैंने जो बचपन में किया था, मैं भी उसे रिसर्च करके, इसमें इस रिसर्च में 2 साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे, मैं भी अगर उसे रिसर्च करके उसे वैलिडेट कर दूँ, मैं ये प्रूफ कर दूँ कि हाँ ये टेक्निक रियल में वर्क करते हैं, तो मेरा मानना है कि इसका लाभ देश को ही नहीं, पूरी दुनिया के सारे बच्चों को मिल सकता है। तो मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। ये मेरा ब्रेन ट्रेनिंग का रिसर्च प्रोजेक्ट है और ये मैं सर्विस में आने के बाद तुरंत शुरू कर दूँगा। तो और मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, उस टेक्निक्स को यूज़ करके सारे बच्चे, मुझे पता नहीं है 9 साल 12 साल ये सब, तो सबके लिए तो कोर्ट का भी ऑर्डर चाहिए, लेकिन सारे बच्चे कम से कम अपनी बौद्धिक क्षमता को जितना बेहतर बनाना चाहते हैं शायद बना सकते हैं। सर, आज आप भागलपुर में हैं और भागलपुर में भी सर प्रतिभावान बच्चों और युवाओं की कमी नहीं है और यहाँ के बच्चे युवाओं ने ये साबित करता है वर्षों से सर। तो मैं सर आपसे, मेरा सवाल यहाँ पे ये होगा सर कि क्या भागलपुर के बच्चे भी आपके तरह ही 9 साल में 10वीं पास कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, भागलपुर के बच्चों में, भागलपुर के युवाओं में, भागलपुर के लोगों में भी बहुत प्रतिभा है। और आप लोग तो जानते ही हैं, उन्होंने भागलपुर शहर का नाम भी काफ़ी रोशन किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, ये सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। सर, आपकी जो प्रतिभा है, ये प्रतिभा नहीं सर, ये इसको विलक्षण प्रतिभा कह सकते हैं, क्योंकि ये साधारण प्रतिभा नहीं है सर, और इसका लोहा पूरा दुनिया आज मान रही है, और फिर भी ऐसा क्या हो गया तथागत अवतार तुलसी को कि ये अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उनको नौकरी से निकाल दिया गया? क्या ये पूरा वाक्य क्या था सर? एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी गलती कहिए या जो भी कहिए, कि अगर मैं मुंबई ज्वाइन करने के पहले अगर मुंबई में 6 महीने भी रह के देख लेता, तो मुझे पता चल जाता कि मुंबई शहर में मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। और मुझे, मेरे पास कनाडा से उस वक्त जॉब ऑफर था, मैं कनाडा चल जाता तो आज शायद मेरा कैरियर थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता। एक्चुअली मुंबई चूँकि समंदर के किनारे बसा हुआ शहर है, उसकी हवा में उमस बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो ह्यूमिड एयर में ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कुछ लोगों के लिए, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए काफ़ी गंभीर सांस की एलर्जी का कारण होती है। तो मुझे वहाँ पर, जो कि धीमे धीमे समय के साथ बढ़ता गया, मैं तो वहाँ पर 4 साल सर्विस किया, समय के साथ बढ़ता गया, वो घट नहीं रहा था। तो डॉक्टर साहब ने पहले बोला था कि आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं एडजस्ट हो सकते तो आप ये शहर छोड़ दीजिए। तो मैं 4 साल वहाँ सर्विस किया, मैं समझ रहा था कि मेरी जो समस्या है वो बढ़ रही है। फिर मुंबई ने मुझे, IIT मुंबई ने मुझे 4 साल तक छुट्टी भी दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव दिया, ये लीव विदाउट सैलरी था, जो एज ए रूल, जो गवर्नमेंट सर्विस का रूल होता है, विदाउट सैलरी लीव भी दिया। मैं 4 साल यहाँ छुट्टी पे भी रहा। फिर मुंबई ने कहा कि अब हम आपको ज़्यादा छुट्टी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी सर्विस का लॉस हो रहा है, तो आप कृपा करके रिज़ाइन कर दीजिए। मैंने बस पोलाइटली कहा कि अगर हम रिज़ाइन करते हैं तो ना तो मेरे पास माननीय राष्ट्रपति जी के पास अपील करने का ऑप्शन रहेगा, ना तो मुझे कोर्ट में जाने का ऑप्शन रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि आप मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में IIT दिल्ली ट्रांसफर कर दीजिए। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, हम कोई ट्रांसफर इसके लिए, ना तो आपके, आपको IIT दिल्ली आपका मामला फॉरवर्ड करेंगे, ना तो हम माननीय राष्ट्रपति जी को फॉरवर्ड करेंगे। मैंने कहा आपको करना है कीजिए। सर,
हमारे देश के जो संविधान है उसमें बदलाव किया जाता है। इसके अलावा IIT के अलावा हमारा जो हमारे देश का जो एग्ज़ाम है UPSC VPSC और भी सिविल सर्विसेज के जो भी होते हैं उसमें समय के साथ परिवर्तन किया जाता है। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि IIT के भी इसमें तब्दीलियां हो, परिवर्तन हो? मेरा यही विनम्र अपील है माननीय राष्ट्रपति जी से, क्योंकि IAS IPS अफसर के लिए भी यही 8 नवंबर 2004 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हाँ, अगर क्लाइमेट की वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो रेयरेस्ट केसेस में, मेरा भी केस रेयरेस्ट है क्योंकि मुझे सिवर एलर्जी है, तो रेयरेस्ट केसेस में आपका ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएगा। तो उसी तर्ज पर भी मेरा भी अपील है कि अगर हमारे इसमें भी ये संशोधन हो जाए तो मुझे भी फ़ायदा फ़िलहाल मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं कुछ दूसरे ऑप्शन सोचूंगा। सर आप परिचय के मोहताज नहीं है सर, आपको IIT मुंबई से निकाला गया, उसके बाद सर और कहीं से कॉल जॉब के लिए या फिर बिल्कुल आना ही बंद हो गया या तो फिर आपने ही मना कर दिया ऐसा कुछ, या फिर कहीं से कॉल ही नहीं आई? फिलहाल वैसे एज ए बैकअप ऑप्शन मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन हाँ उनका भी सिलेक्शन प्रोसेस लंबा होता है, एक साल। कोई भी एकेडमिक, इसे फॉरेन नहीं, इंडिया में भी एकेडमिक जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो लंबा होता है, क्योंकि वो सारे एप्लीकेशंस को देखते हैं, उसके बाद से डिसाइड करते हैं किन्हें सेलेक्ट करना है किन्हें नहीं सेलेक्ट करना है। पर मैंने अपनी तरफ से अप्लाई कर दिया, पर हाँ वो जो भी नतीजा होगा वो उसमें मुझे एक साल वेट करना पड़ेगा। सर इसमें कोई शक नहीं है कि आप पूरे देश के बच्चे और युवाओं का मार्गदर्शक हैं, क्योंकि आपकी प्रतिभा ही वैसी है। तो सर खासकर मैं चाहूँगा आज आप हमारे शहर जो है भागलपुर में हैं, सिल्क सिटी में हैं, और सर आप सिल्क TV पर हैं और लोग आपको देख भी रहे हैं सर। तो मैं खासकर अपने शहर के बच्चों के लिए मेरा ये सवाल रहेगा, हमारे जो शहर के बच्चे हैं उनके लिए, कि अगर तथागत अवतार तुलसी को यहाँ से निकलना हो, यानी कि यहाँ के बच्चे ऐसा बने या फिर हो सकता है इनसे भी आगे जाएँ, तो उनको कहाँ पर मेहनत करनी चाहिए, खासकर जिस लाइन में सर आप हो? मेरे लाइन में तो टेक्नोलॉजी के लाइन में, इंजीनियरिंग के लाइन में या फिर साइंस के लाइन में बच्चों को ये देखना पड़ेगा, जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके कंसेप्ट्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ एक बार अगर बच्चे मेहनत करके उस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले फिजिक्स मैथ्स में, तो आगे चल के बहुत ही ईजी सब्जेक्ट लगता है। और जब कोई भी सब्जेक्ट ईजी लगता है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी बहुत आता है, ऐसे बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है फिजिक्स मैथ्स। तो लेकिन हाँ, अगर आपका कंसेप्ट कहीं ना कहीं वीक हो रहा है या कहीं ना कहीं कुछ गैप आ रहा है तो ये मुश्किल लग सकता है। तो मेरा भागलपुर के बच्चों को यही सलाह है कि एक बार फोकस करके आप इन सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट को ज़रूर स्ट्रॉन्ग बना लें। सर मेरा आखिरी सवाल होगा और बहुत ही छोटा सा सवाल होगा मेरा, कि भागलपुर में आज जो भी लोग आपको देख रहे हैं, खासकर ये सवाल वैसे लोगों के लिए हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके ऊपर ये चीज़ थोप देते हैं कि नहीं आपको इंजीनियर बनना है, बच्चे की रुचि है खेल में, बच्चे की रुचि है फिल्म लाइन में, बच्चे की रुचि अदर क्षेत्र में है, अदर लाइन में है, लेकिन अभिभावक के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा उन पर एक थोप दिया जाता है कि नहीं आपको यही करना है। ऐसे अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए आपका क्या कहना रहेगा सर? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि वो अभिभावक जो है वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभिभावकों के भी अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हाँ ये बात है, अगर बच्चों को किसी चीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है तो शायद थोपना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है एक्चुअली। तो मैं बाप बेटे के बीच में आना नहीं चाहता। पर ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है। सर आखिरी सवाल मेरा ये छोटा सा सवाल है कि क्या संदेश रहेगा तथागत अवतार तुलसी का भागलपुर वासियों के लिए? मैं आज आपके शहर में आया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और भागलपुर तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की का जगह है और यहाँ पे तो ये ज्ञान भूमि ही है एक तरीके से। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, वैसे भी नया साल आ चुका है तो आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर मैं भी चाहूँगा कि आप जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाइए और हमारे आप देश की आन बान शान है, और ख़ासकर बिहार की जो है, बिहार की भी शान है और आज हमारे घर में है, तो आपसे मुलाकात तो ये मेरे लिए भी सर बहुत बड़ी बात थी। और मैं भी चाहूँगा सर कि आपकी फिर से जॉब हो जाए और आपका जो रिसर्च जिसका आपने बात करा सर कि वो सफल हो और दुनिया को आप ये भी बता सकें कि क्या
सच में इतनी कम उम्र में तथागत अवतार तुलसी और भी कोई बन सकता है। और बहरहाल आप हमें सिल्क टीवी पर देख रहे हैं, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सलमान अनवर हैं। तथागत अवतार तुलसी सर के साथ मेरी ये बातचीत कैसा लगा, नहीं लगा, हाँ लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जाके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।